మేడ్చల్ జిల్లా జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చెన్నాపురం దేవేందర్ నగర్లో తనపై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు నిన్న దాడి చేయడం జరిగిందని జవహర్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేసిన మైనారిటీ నాయకుడు మహమ్మద్ పాషా నిన్న అనగా 5వ తేదీ మధ్యాహ్నం గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు దాడికి పాల్పడ్డారని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మైనారిటీలకు రక్షణ లేకుండా పోయిందని తనపై దాడి చేసిన నిందితులను గుర్తించి పోలీసులు కఠినంగా శిక్షించాలని మీడియాతో తన గోడును వెళ్లబోసుకున్న మహమ్మద్ పాషా ये हाईकोर्ट का आर्डर है, मैं हाईकोर्ट के आर्डर के खिलाफ नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट मेरी बोल रही है, मैं मेरी बोल रहा हूँ। ये दूसरे किधर से है ये लोग, बस ये मेरे को इंसाफ होना, मैं हाईकोर्ट के ऊपर भरोसा रखी हूँ। आखिर उन्होंने क्या भी बोलन दे, चोरी के पेपर बना को जवाहर नगर में उजाला करे इन्हों, वो सारे लोग मीडिया के सामने बाहर आको बात करना। मैं मीडिया वालों से यही गुजारिश करता हूँ और राजा कुंडा पुलिस साहब को मेरा बात बात मेरा आज मीडिया वालों से गुजारिश है मेरी, मैं बाअदब अर्ज करता हूँ सबको, और पहले मीडिया वालों को मैं सलाम करता हूँ। बाद में हुकूमत तेलंगाना सीएम केसीआर साहब को मेरा बाअदब सलाम, महमूद अली साहब को मेरा बाअदब सलाम, केटीआर मिनिस्टर साहब को मेरा बाअदब सलाम, अब पुलिस डिपार्टमेंट राचाकुंडा कमिश्नर साहब को मेरा ताहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कल 5 तारीख के दिन नामालूमात 3 आदमी आ गए, 3 आदमी आके यहाँ पाशा बोल के रहता उसका घर किधर है बोल के मेरे घर के पोठवा निकाल लेके चले गए, और तुमको कौन भेजा बोले तो हमको रड्डी शेट्टी श्रीनिवास भेज दिया, और उसकी सीमेंट की दुकान है उसके भाई की बोल के वो भी बोले उन्होंने, और तुम कांसी आए बोले तो कांसी भी आए क्या भी नहीं, वो तुमको लेके क्या करना है बोले तो हमारी बीवी उन्होंने घबरा के जाके कई को है जी बाबा कई को पोठवा ले रहे हैं बोले तो मेरे घर के चौतरफ के पोठवा ले लिए वो लोग ले के चले गए, तो मेरे को जान से मारने के ये लोग साजिश करे, मेरे ऊपर कूड़ा डाले के हमले से आ गए। आज भी हम जमीन के ऊपर नहीं रहना, तेरे बाप का जमीन नहीं, तुम किधर से आया बोल को भी हमारे को ऐसे बात बोले, और ये नामालूमात जो लोग हैं इसके अंदर कुछ हमारे जो वो रवि बोलने वाला है उसका भी नाम खुद सीनू लिया मेरे सामने, तेरे से बात करता हूँ तेरी कहाँ जमीन है क्या नहीं, तू किसकी रे बोल के, नहीं तो तेरे को 10-20 हज़ार भी जान दे, 10-20 लाख जान दे, और ऐसो तेरे को पूरा डिपार्टमेंट मेरा है, पुलिस डिपार्टमेंट मेरा है, और ऊपर से पकड़ के कलेक्टर से पकड़ के एमआरओ तक भी मेरा है, तेरे को नष्ट तो नाबूद कर दे, तो मेरे पास पैसे की भी ताकत है, मेरे को ऐसी धमकी दिया। आज मैं तेलंगाना मीडिया वालों से मेरी ये गुजारिश है, मेरी सही आवाज़ एक गरीब आदमी को, आज मेरे जान को ख़तरा है, अगर ये कुछ होगा तो भी, अगर मैं मर भी जाऊँगा तो मेरे मीडिया वाले उठाना ये बात को। अब दूसरी बात, मेरे बच्चे हैं, बच्चों को भी मार देते बोल के ये भी धमकियाँ आ गए, यहाँ बस्ती में के भी कुछ लोग हैं, मैं कंप्लेंट दियो उनके ऊपर हो, और वो दुड्याला रवि पलाटा बिका के खाया, हम उसको पैसे दिए बोल के इनके मुँह से बोल दिए उन्होंने, और दूसरा सीनो हमारे को बिकाया बोले तो सीनो कम से कम 50 आदमी लंबाड़ों को किराए के लोग अड्डे के ऊपर बैठते सब उनको लेका को ये झंडे गाड़ा जमीन के ऊपर हो, फिर भी मैं पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ, पुलिस वाले आके झंडे उखाड़ के लेके चले गए, और मैं कोर्ट का ताउन करने लगा हूँ, कोर्ट मेरे को इंसाफ देगा, और मैं बिल्कुल कोर्ट के ऊपर भरोसा रखूँ, और मेरे मीडिया वालों से गुजारिश है मेरी आवाज़ अच्छे से अच्छे कर को, मेरे बच्चे कच्चों को जान को धोखा है और मेरे भी जान को धोखा है, आपसे सबसे मैं हाथ जोड़ के मैं आपको मैं ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, अगर कुछ होगा तो भी केटीआर साहब आप मिनिस्टर हैं, आपके हुकूमत में ये हो रहा है, सीएम साहब महमूद अली साहब इसके ऊपर ताउन देखो जल्द से जल्द दो, आपके भी ऊपर कुछ बात है, मैं आपका ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाम अलैकुम रहमत।